वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ रेने के एक परफ्यूम का, एंड इस परफ्यूम का नेम है ओम्ब्रे ऊद। एंड इसके पहले भी मैंने रेने के बहुत सारे परफ्यूम का रिव्यू शेयर किया है आप लोगों के साथ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेना। एंड इनफैक्ट मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो किया था रेटिंग ऑल माई रेने परफ्यूम्स, सो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है एंड आप रेटिंग वाले वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो आप वाला वीडियो जरूर देखना। उस वीडियो में मैंने सभी परफ्यूम की मिनी मिनी रिव्यू शेयर की है एंड सभी परफ्यूम को रेट किया है। एंड एक चीज इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस का रिव्यू स्टार्ट करूं उसके पहले मुझे बोलना है कि रेने में कुछ ऐसे परफ्यूम है जो बहुत ब्यूटीफुल है, कुछ ऐसे हैं लाइक जो एवरेज है, एंड ये जो है ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। वीडियो को पूरा देखना, मैं अच्छे से इसकी फ्रेग्रेंस आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। एंड ऑल्सो रेने में और एक ऊद परफ्यूम आता है, उसका नाम है ऊद एस्पायर, उसका वीडियो भी है मेरे चैनल पे। उस वीडियो में मैंने उस परफ्यूम को काफी डिटेल में डिस्क्राइब करा है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख लेना अगर आप ऊद परफ्यूम में इंटरेस्टेड हो। सो अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस की प्राइस एंड पैकेजिंग की। तो सबसे पहले ऐसे है इसकी पैकेजिंग, ग्लास बॉटल है, स्प्रे है। एंड रेने में जितना भी मैंने देखा है तीन डिफरेंट पैकेजिंग आती है। अगर फर्स्ट टाइम कोई भी परफ्यूम खरीद रहे हो देन आई विल सजेस्ट बाय 8 ml, उसके बाद आप डिसाइड कर लो आपको 20 ml चाहिए या 50 ml चाहिए। इसकी फ्रेग्रेंस मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ, आप समझ जाओगे इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है और आप खुद डिसाइड कर लेना आपको परचेज करना है या नहीं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, इस पर्टिकुलर परफ्यूम की ओपनिंग जो है वो काफी ब्यूटिफुल है। पहले मैं आपको इसकी ओपनिंग जो है वो डिस्क्राइब कर देती हूँ, उसकी फ्रेग्रेंस कैसी है ओपनिंग में। थोड़ा सा ना ये स्वीट है, थोड़ा चंदन टाइप का है, चंदन एज इन जो हम लोग नॉर्मल रेगुलर जो सैंडलवुड यूज करते हैं ना, जो लकड़ी आती है चंदन की जो हम लोग बहुत बार पूजा घर में भी यूज करते हैं या फेस मास्क में भी यूज करते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस तो आई एम श्योर आपको भी पता होगी कैसी है। मोस्टली परफ्यूम में वही वाला सैंडलवुड यूज किया जाता है, जहां पे भी सैंडलवुड लिखा होता है सैंडल की जो फ्रेग्रेंस होती है वही वाली होती है। बट इस पर्टिकुलर परफ्यूम में ना, मैंने रेटिंग वाले वीडियो में भी बताया था, इसमें ना रेगुलर चंदन वाली खुशबू नहीं है, इसमें वो गोपी चंदन टाइप वाली खुशबू है। आपने अगर गोपी चंदन कभी देखा होगा तो वैसा गोल सा रहता है, मोस्टली बोलते हैं कि वो मुल्तानी मिट्टी होती है, उसमें कुछ फ्रेग्रेंस जैसे चंदन की डाली होती है। आई एम श्योर अगर आप इंडियन हो तो आपने गोपी चंदन कभी ना कभी तो यूज किया ही होगा, देखा होगा। तो इसमें ना थोड़ा वो गोपी चंदन वाली वाइब है। यस, जैसे आप इसको स्प्रे करते हो आपको स्वीट स्वीट सी गोपी चंदन वाली खुशबू आने लगेगी, जो ओपनिंग में एक्चुअली अच्छी लगती है, आई एम नॉट गोना लाई, बट ये स्वीट स्वीट सी ब्यूटीफुल सी फ्रेग्रेंस जो है ना बस 5 मिनट ही स्टे करती है। 5 मिनट के बाद लिटरली ये परफ्यूम बहुत गंदा सा स्मेल करने लगता है। लिटरली 5 मिनट के बाद ये परफ्यूम एकदम से टर्न ले लेता है, एंड टबैको आता है ना वो जर्दा जो बहुत सारे लोग खाते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसकी फ्रेग्रेंस, जो जर्दा होता है ना, लाइक लिटरली ये परफ्यूम जर्दे की तरह स्मेल करना स्टार्ट कर देता है। वो अजीब सा जो टबैको आता है, लिटरली टिपिकल जर्दा। आई एम श्योर आप इंडियन हो तो आपने वो स्मेल तो लाइक जर्दे की स्मेल आपको पता होगी कि कैसी है। स्टार्टिंग का 5 मिनट बहुत ब्यूटीफुल लगता है, 5 मिनट के बाद एकदम से ये बहुत घटिया टर्न ले लेता है, चीप सा जर्दे की तरह स्मेल करने लगता है, एंड थ्रू आउट ये ऐसा ही स्मेल कर रहा होता है। इनफैक्ट जैसे जैसे आपकी स्किन पे सेटल होने लगता है या आपने अपने कपड़ों पे भी लगाया ना, तो भी धीरे 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 7-8 मिनट निकलेगा, 10 मिनट निकलेगा, वो और स्ट्रांग 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 होते जाएगा, वो अजीब सा स्ट्रांग जर्दे की तरह स्मेल करेगा, एंड वो आपके नोज पे इधर अजीब सा हिट करने लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक और चीज मैं इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस के बारे में बताना चाहती हूँ, अगर सपोज आपने इसको लगा लिया है और आप किसी क्लोज एनवायरनमेंट में हो, लाइक एसी में बैठे हो, आप अपने अपना रूम बंद किया हुआ है या अपने ऑफिस के किसी केबिन में हो, आपने लगा लिया आपको पता नहीं था, आप अपनी कार में हो या कैब में हो, बंद जगह पे हो, एसी में हो, आपको घुटन जैसी फील होने लगेगी, एकदम ऐसा लगेगा आपका दम घुट रहा है, आपका जी घबरा रहा है, आपको एकदम से अनइजी एंड सफोकेटेड फील होने लगेगा। ऐसा मुझे पर्सनली फील हुआ था। एंड अमेजोन पे ना जब मैंने रिव्यूज पढ़ने शुरू किए जाके, मैंने सोचा कि मैं अमेजोन नायका जहां जहां पे अवेलेबल है देखती हूँ लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। सेम चीज किसी पर्सन ने रिव्यू में लिखा हुआ था कि वो कैब में बैठा हुआ था एंड बारिश की वजह से कैब पूरी बंद करनी पड़ी थी, एंड उसने ये परफ्यूम फर्स्ट टाइम उसने अप्लाई किया था और उसे बहुत सफोकेशन हो रही थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सेम चीज मैंने भी एक्सपीरियंस करी जब मेरा नया नया आया था, बहुत एक्साइटेड होकर मैंने इसे अप्लाई किया था एंड मेरे रूम में मैंने लाइक बैठी हुई थी, पूरा रूम मेरा बंद था और मुझे सफोकेशन होने लगी, मुझे लिटरली मेरा जो मैंने ड्रेस डाली हुई थी मुझे वो चेंज करनी पड़ी थी क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, निकाल के मुझे लाइक
मेरे रूम से वो ड्रेस बाहर करनी पड़ी थी, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। अगर आप सबको स्टोर में ट्राई करते हो, एकदम से स्प्रे करते हो, आपको लगेगा हाँ अच्छा है, दो तीन मिनट रुक के भी देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, जैसे मतलब 5 मिनट तक अच्छा लगता है और आप खरीद लोगे। और अगर आपने कभी खरीद लिया है गलती से इसको, तो पता नहीं, मैंने दूसरे परफ्यूम के साथ लेयर करके भी एक बार ट्राई किया इसको, ये वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। एंड लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन की बात करूं गाइस, तो ये प्रोजेक्ट कर रहा होता है रहने की, और दूसरे परफ्यूम्स जो है वो इतने प्रोजेक्टिव नहीं है, ये प्रोजेक्ट भी कर रहा होता है। सपोज आपने लगाया है, आजू बाजू जर्दा जर्दा जैसी वो टबैको वाली स्मेल अजीब सी फैलने लगती है। एंड लॉन्ग लास्टिंग मुझे नहीं पता, जैसा मैंने बोला कि मैंने इसको जब लगाया था थोड़ी देर बाद मुझे वो ड्रेस चेंज करनी पड़ी थी, इतनी गंदी सी स्मेल थी। सो I don't care ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप ये पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस खरीदने का सोच रहे थे गाइस, I will suggest don't buy this perfume, don't waste your money, इससे अच्छा कोई दूसरा परफ्यूम खरीद लेना। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।